हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है आपकी TDP की क्लास और ये क्लास नंबर है आपकी 29। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 28 क्लास तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को नहीं फॉलो किए हैं वो लोग क्या करेंगे, पिछली क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स के लिए या कोई भी क्वेरी के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो है USP नाम से। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ये इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि हमारा जो क्लास है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो चलिए फिर आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। तो पिछली क्लास में हमारा एक चैप्टर था, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम लोगों ने देखा था और उसको कवर भी कर लिया था, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं अपने जो नया चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल के चैप्टर नाम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और इसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके AC सिस्टम और DC सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इसी में हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से सिस्टम आपके आते हैं। जैसे आपने सुना होगा फीडर सुना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सुना है, और सर्विसमैन सुना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे, क्या होता है ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सर्विसमैन हो गया, ठीक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे सभी लोग बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अपना चैप्टर की, तो इस चैप्टर से पहले तो हम समझते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए, समझते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम जानते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर कहें तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये डेफिनेशन के बेसिस पे आपको इसको डिफाइन करना है, तो आप इसको कैसे समझाओगे, कैसे बताएंगे इसको। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका एक पावर सिस्टम का ही पार्ट है। क्या होता है, एक पावर सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो आपको कंज्यूमर तक भेजनी होती है, ठीक है, या लोकल यूज़ के लिए देना होता है कंज्यूमर को। तो वही सिस्टम आपका जो यूज करते हैं वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें सिंपल भाषा में, तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर को यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर लोकल यूज़,
वो लोकल यूज़ के लिए, ठीक है। अब बात आती है लोकल यूज़ का मतलब क्या हो गया, तो लोकल यूज़ का मतलब होता है कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं लोकल यूज़ के लिए, ठीक है। यानी कि जो कंज्यूमर आपके पर्टिकुलर एरिया में आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल पावर वो कितनी यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन के बेसिस पे। अब अगर हम लोग आपसे ये कहें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं इसके, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका बटा होता है, मान लिया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये बेसिकली तीन भागों से डिवाइड होता है, या हम कह सकते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, तो पहला जो आपने खूब सुना होगा फीडर के बारे में, ठीक है, एक क्या होता है फीडर, और दूसरा आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और थर्ड जो होता है हमारा वो होता है सर्विसमैन, सर्विसमैन, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, या तीन हम कह सकते हैं हमारे पावर सिस्टम के पार्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि अलग अलग की फीडर क्या होता है, सर्विसमैन क्या होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन और करते हैं और इसको फिर लिखाते हैं, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट करिए, जो हमने आपको सिंपल भाषा में जितना नोट कराया है वो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं। तो इतना नोट कर लिया सब लोगों ने, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हेडिंग डालिए, हम आपको लिखा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन लिखा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हेडिंग डालिए सभी लोग, और इसमें हम आपको लिखा देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे सभी लोग, ठीक है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर का चालक प्रणाली द्वारा, चालक प्रणाली यानी कि कंडक्टर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का चालक प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रिकल, या हम कह सकते हैं जो आपके विद्युत उपकेंद्र होते हैं, विद्युत केंद्र या उपकेंद्रों से कंज्यूमर्स तक के पहुंचाने तक के तंत्र को या सिस्टम को, ठीक है, तक के सिस्टम को, या हम कह सकते हैं इसको तंत्र, ठीक है, तंत्र को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को अगर हम लोगों को विद्युत केंद्र से या उपकेंद्र से, सब स्टेशन से, अगर कंज्यूमर तक पहुंचानी होती पावर को, तो इस पहुंचाने के लिए जो सिस्टम आपका यूज होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, अब आप क्या करेंगे, आगे लिखिए इसी में।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मुख्य तीन अंग होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए हम बोल रहे हैं आपको लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मुख्य तीन अंग होते हैं या पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, तो पहले लिखिए फीडर लिखेंगे, फीडर। अब देखो फीडर लिखना है तो फीडर को हिंदी में अगर समझना चाहो तो लिख लो, इसको हम बोलते हैं पोषक, ठीक है। तो हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। फीडर ही यूज किया जाता है आपका, तो फीडर ही आपने नाम भी सुना होगा। तो दूसरा जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, तो दूसरा लिखिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वितरक। क्या बोलते हैं? वितरक बोलते हैं। थर्ड क्या है, तो थर्ड हमारा है, आप लोग लिखिए, थर्ड है सर्विस मैन, ठीक है। तो सर्विस मैन में हम लिख सकते हैं सेवा मुख्य, ठीक है, ये हिंदी होती है इसकी। तो इतना नोट करिए सभी लोग, फिर हम लोग समझाते हैं, समझते हैं कि फीडर किसको बोलते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इतना लिखिए। अब इतना हो गया, चलिए अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस लाइन फीडर, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है साथ साथ में, तो आप लोग डायग्राम बनाते जाइए। तो इसको आप नाम दे दिए ए, ये नाम दे दिए वी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। और इस तरीके से इसको यहाँ पे इसको एस डाल दीजिए। अभी समझाते हैं कि एस क्या है और ये ए बी सी डी ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इस तरीके से बना लीजिए डायग्राम को, साथ साथ में बनाते जाइए। अब ये जो होता है इसको लिख लीजिए सर्विस मैन, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखेंगे फीडर, ये भी यहाँ पे लिखेंगे फीडर, ठीक है, और यहाँ पे भी फीडर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। और ये जो एस आपका दिया गया है ये क्या होता है, सब स्टेशन, ठीक है। इतना बनाइए, फिर इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग फीडर, क्या डालेंगे फीडर। तो देखिए फीडर क्या होता है, फीडर एक आपका ऐसा कंडक्टर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारा कनेक्ट होता है किससे, हमारा जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट होता है, किससे, जनरेटिंग स्टेशन कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कि जो आपका सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन कह सकते हैं, ठीक है, सब स्टेशन से, और सब स्टेशन से कहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक। तो क्या हो गया फीडर, फीडर का मतलब है कि कंडक्टर का ऐसा कनेक्शन जिससे हमारा सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कनेक्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने के जो के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं, उस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फीडर बोल देते हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इस डायग्राम में समझते हैं, तो फीडर का मतलब क्या है, ये आपका क्या है सब स्टेशन है मान लिया कोई, इस सब स्टेशन से और ये जो आपको दिए गए हैं ठीक है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ठीक, इस ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो अब ये जो लाइन आपकी दी गई है ठीक है, ये आपके क्या होते हैं जैसे ए बी है, जैसे मान लिया ए बी बी सी और सी डी और डी ए, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है, जो लाइन से बनी होती है ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब इसमें देखिए फीडर का काम क्या है कि हमारा कनेक्शन कहाँ से, सब स्टेशन से और एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर तक हमारा जो कनेक्शन होता है, यानी कि पावर को हम लोग सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग पूरा क्या कहते हैं फीडर कह देते हैं ठीक है। अब फीडर में क्या होता है हमारा, एक तरीके से कहते हैं कि पावर जो होती है वो हमारी लोकल एरिया के लिए, लोकल एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ठीक है। यार लोकल एरिया का मतलब क्या है, जैसे आपने क्या कहा कि कोई पर्टिकुलर एरिया है ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए आपके लिए आप पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए कोई गांव है, दो गांव है, तो उसके लिए क्या होता है हमारा एक सब स्टेशन छोटा सा बनाया जाता है ठीक है, और सब स्टेशन के बाद हमारा बनता है फीडर ठीक है, फीडर बनाया जाता है। तो फीडर जो आपका काम करता है वो एक तरीके से पावर को लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है ठीक है। तो ये तो फीडर हो गया। अब फीडर जो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, एक चीज़ और समझना है, तो फीडर में कभी भी आपको ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है, तो फीडर में क्या होता है हमारा कभी भी टैपिंग नहीं होती है, क्या होती है नो टैपिंग, तो इसमें हम लोग कभी टैपिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जब टैपिंग नहीं प्रोवाइड होती है तो हम जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज एक तरीके से होता है, जो करंट होती है वो हमारी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि टैपिंग से हमने आपको बताया कि टैपिंग क्या होता है, एक तरीके से इस तरीके से टैपिंग कर दी जाती है ठीक है। तो टैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो फीडर है वो टैपिंग नहीं प्रोवाइड करता है, तो जब टैपिंग नहीं प्रोवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होती है फीडर में वो हमारी कॉन्स्टेंट करंट होती है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो होती है ठीक है। तो कांस्टेंट करंट फ्लो होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारे फीडर डिज़ाइन किए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो फीडर डिज़ाइन किए जाते हैं वो बेसिकली किस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए, वोल्टेज के लिए या आपकी करंट कैपेसिटी के लिए। तो हमेशा याद रखना जो वोल्टेज, जो फीडर डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमेशा डिज़ाइन किए जाते हैं किसको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी को, करंट कैरिंग कैपेसिटी को ठीक है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रख करके ये फीडर्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिख लीजिए हेडिंग डाल के फीडर, और इसमें चलिए लिखा रहे हैं, तो आपको लिखना है, लिखिए फीडर एक ऐसा कंडक्टर होता है, फीडर एक ऐसा कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को, जो इलेक्ट्रिकल पावर को, लिखिए हम बोल रहे हैं ठीक है, लिखते रहना सभी लोग, जो इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक सब स्टेशन या इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो आपकी क्या होती है, सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने की प्रोसेस को या पूरे कनेक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, फीडर कहते हैं ठीक है। आगे लिखिए इसमें, फीडर में किसी भी प्रकार का, फीडर में किसी भी प्रकार का, फीडर में किसी भी प्रकार का टैपिंग, ठीक है ऐसे लिखेंगे, टैपिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, टैपिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखिए, इसीलिए, इसीलिए फीडर का डिज़ाइन मुख्य रूप से, फीडर का डिज़ाइन
मुख्य रूप से करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फीडर में करंट का मान या करंट की वैल्यू समान रहती है। ठीक है, इतना हो गया सभी लोगों का, बताइए इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को हेडिंग डालिए, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, हमारा जो फीडर होता है, ठीक है, इस फीडर से और जो हमारे सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, यानी कि सर्विसमैन क्या होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स यानी कि फीडर से और जो कंज्यूमर्स तक या सर्विसमैन तक जो पावर पहुँचाई जाती है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आती है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर देखिए हमारा क्या है, जैसे हमारा ए बी बी सी सी डी डी ए, ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है, चलिए हम बोल रहे हैं आपको, चलिए लिखिए डिस्ट्रीब्यूटर, हेडिंग डालिए सभी लोग, और इसमें लिखिए वह कंडक्टर जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल पावर को फीडर से सर्विसमैन्स चालक तक पहुंचाया जाता है या कंडक्टर तक पहुंचाया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इसमें किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो आपसे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मेनली जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसके लिए, वोल्टेज ड्रॉप को मेनटेन करने के लिए या वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमारे डायरेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, और कंज्यूमर्स का क्या होता है, हम जानते हैं लोड कभी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि लोड क्या है, हमारा कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि दो कंज्यूमर का जब भी मन होगा तब वो लोड चलाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा लोड कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये वेरिएबल लोड होता है, तो वेरिएबल लोड होने के कारण हमारा क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है, और यही हमारा क्या होता है, इस वोल्टेज को ही मेंटेन करना होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है एक तरीके से, वो वोल्टेज ड्रॉप के को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए आगे, इसमें लिखिए डिस्ट्रीब्यूटर से विभिन्न कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिकल करंट का निष्कासन सर्विसमैन्स चालक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे लिखिए इसीलिए इसके अलग अलग भागों में इलेक्ट्रिक करंट का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो इसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज वेरी करता है, इसीलिए वोल्टेज को ध्यान में रखकर करते हैं। अब जब वोल्टेज वेरी करता है तो इसीलिए हमारा क्या होता है, जो करंट होती है वो करंट अलग अलग होती है सर्विस मैंस में, ठीक है। क्यों, करंट क्या है हमारी, एक तरीके से लोड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चलिए थोड़ा बहुत लिख लीजिए इसमें, हमने आपको ये नहीं लिखा है, तो जैसे हमने वो डायग्राम बनाया था उसमें लिख लीजिए। आगे इसी में लिखेंगे ए बी, जैसे एग्जांपल में लिखेंगे जैसे ए बी पी सी सी डी तथा डी ए डी ए डी ए चित्र में डिस्ट्रीब्यूटर को दर्शाया गया है, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, तो ये क्या हमारा, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये जो लाइंस बनी होती हैं यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और ये सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर का कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, फीडर कहलाता है, देखिए, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा कंज्यूमर तक वाला क्या सिस्टम कहलाता है, सर्विस मैंस कहलाता है, देखिए। ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से ये कनेक्शन किस में गया, कंज्यूमर के लिए, तो ये हमारा सिस्टम कहलाता है क्या, सर्विस मैंस, ठीक है। तो अभी लिखेंगे इसको, पहले लिख लीजिए जैसे ए बी बी सी कमा सी डी डी ए हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को चित्र में दर्शाया गया है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सर्विस मैंस, सर्विस मैंस, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट सर्विस मैंस क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से और जो कंज्यूमर्स का जो कनेक्शन होता है, कंज्यूमर्स तक जो पावर को पहुंचाया जाता है वो हमारा केस में आ जाता है, सर्विस मैंस में आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए लिखिए वह लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ती हो, वह लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ती हो, सर्विस मैन कहलाती है, सर्विस मैन कहलाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, क्या बताया कि जो लाइन आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक जो होती है वो लाइन, वो हमारी क्या कहलाती है, सर्विस मैन कहलाती है। तो वही लिखना है, वह लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ती है उसे सर्विस मैन कहते हैं या कहलाती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। अब ये तो हो गई हमारे जो पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, ठीक है, तीन पार्ट, तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो हमारे कितने भाग में होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। वर्गीकृत किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो बेसिकली जो हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हमारे तीन चीज़ों पे ध्यान देकर के किया जाता है, तीन चीज़ों पे बेस्ड होता है। कौन कौन सा, जैसे आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ करंट पे, नेचर ऑफ करंट पे, तो नेचर ऑफ करंट का मतलब क्या है कि हमारी करंट किस तरीके से है, एसी है डीसी है, तो उस बेसिस पे, तो नेचर ऑफ करंट के बेसिस पे हमारा दो टाइप का होता है, वो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका, लिखिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट, यानी कि करंट की प्रकृति पर या धारा की प्रकृति पर, हिंदी में लिख लीजिए धारा की प्रकृति पे। अब ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। तो ये तो हमारी करंट के आधार पे हो गया, क्योंकि हमारी करंट कैसी है, एसी है डीसी है, तो उस बेसिस पे हमारे दो टाइप के हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी देख सकते हैं, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे, ठीक। तो अब कंस्ट्रक्शन के आधार पे अगर बात करते हैं तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक क्या होता है, ओवरहेड लाइन होती है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओवरहेड
सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक क्या होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अंडरग्राउंड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो टाइप के होते हैं। अब ऐसे ही अगर बात करें कि हमारे जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, कनेक्शन के आधार पे, तो कनेक्शन के आधार पे हमारे कितने टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये हमारे होते हैं तीन टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए इनको भी लिख लीजिए। तो पहला होता है हमारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल सिस्टम, रेडियल सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है हमारा रिंग मैन सिस्टम, रिंग मैन सिस्टम। ठीक, और थर्ड जो होता है इसमें वो होता है हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो वो हमारे दो टाइप के होंगे, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और अंडरग्राउंड के। ठीक है, और अगर कनेक्शन के आधार पे देखेंगे तो कनेक्शन अगर कंडक्टर के इस आधार पे देखेंगे तो हमारे तीन टाइप के होते हैं, रेडियल, रिंग और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं हमारे, ये क्लासिफिकेशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, ये है कनेक्शन के आधार पे। ठीक है, ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कनेक्शन के आधार पे होते हैं इन्हीं सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यही सिलेबस में है आपके। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।